चोर आया, कान टपी मच खोल के ले गया। ये कैसा है चोर आया? अब इसको इंग्लिश में करो। द थू आज कमिंग, चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। इतनी बार मत बोले, मुझसे भी नहीं बोला जा रहा। मैं ही कहने लगा था पहले, पंजाबी से सही बोले ना। कान टपी नहीं होता, कान टपी होता। थीफ इज कमिंग, ओपनिंग द मच एंड रन अवे। आओ, चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। इसको जरा इंग्लिश में करो फिर से। चोर आया, चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। चोर इज कमिंग, कान टपिंग एंड खोलिंग द मच एंड वेंट अवे। चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। इसको इंग्लिश में करो। Thief is coming. Oh no. सामने देखो। Calling the mud and go. चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। हम दस दे। The thief come up the दीवार, open the mud and go. चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? Thief came, climbed the wall, untied the buffalo and ran away. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इंटेलिजेंट लड़का मौजूद है जो कि बता के। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डिजिटल हब और मैं हूँ आपकी होस्ट इनफाल लियाकत। और आज का जो शो है बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरा सवाल ये है, चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। पता नहीं मैंने इतनी बार कैसे लोगों को बोल बोल के बताना है, पंजाबी तो मुझे खुद को भी नहीं आती है। इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है। और जो दूसरा सवाल है वो ये है, आपको ज़्यादा सर्दियाँ अच्छी लगती हैं या फिर गर्मियाँ? अगर तो इनके अच्छे जवाब आप देना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महमूद तारिक। यार आदमी यकीन आ गया कि चश्मिश लोग क्यूट होते हैं, वाकई प्यारे होते हैं। थैंक यू, मैंने पास से देखा है। थैंक यू। अच्छा चलो, आप मुझे आप ये बताओ इंग्लिश कितनी आती है? बस ठीक, थोड़ी सी। चलो थोड़ी सी इंग्लिश लड़ाओ। चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। इसको जरा इंग्लिश में करो फिर से। चोर आया, चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। पहली रिजेक्ट का था बहुत मुश्किल है यार। थोड़ा सा चोर आया, थोड़ा सा चोर आया। नहीं 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 नहीं, मतलब थोड़ी सी कोशिश करो। चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर आया। ते हुन इनु इंग्लिश विच करो ना। चोर आया कान टपी ते तुहानू खोल के ले गया। इस तरह नहीं आया मुझे। अच्छा चलो, आप मुझे ये बताओ कि सर्दियाँ अच्छी लगती हैं गर्मियाँ? सर्दियाँ। क्यों? क्योंकि सर्दियों में मेकअप नहीं उतरता। यार सही है यार, सारी लड़कियाँ एक जैसी हैं। सर्दियाँ क्यों अच्छी लगती हैं मुझे सारा पता है, क्योंकि मेकअप नहीं उतरता, मेकअप सेट रहता है। हाँ। गर्मी में क्या होता है? उतर जाता है। ये तो बड़ा जुल्म होता है, जितना भी अच्छा लगा लो उतर जाएगा। जुल्म की दास्तान लड़की ने सुना दी है। आजकल क्या हो रहा है? मिट्स खत्म हुए हैं, अब काम हो रहा है, असाइनमेंट्स हो रही हैं। इंग्लिश में हो रही हैं? नहीं, हमने बस काम करना होता है। तो उस पर लिख देना चोर आया कान टपी तुम। लिख देना। लिखना भी कुछ नहीं होता, बस बनाना होता है हमने उस पर। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद। आपका नाम? मोहम्मद दानियाल। ओ इतने शरीफ लग रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पहला दिन है जी। यही लड़का मैं आप लोगों को बता रही हूँ आठवें सेमेस्टर में जाके उफ़ अल्लाह ये तबाही होगा। स्कूल में भी तबाही है, स्कूल में भी तबाही था। वही ना, स्कूल में से कुछ टाइम गुजर गया था। वो सर इसको बिठाते थे ना बेंच पे कान पकड़वा के, ये तब का वो उसको वो यादें पुरानी इसकी ताज़ा हो जाती हैं जब ये कुछ हरकतें करता है। अच्छा चलो, अब आप लोगों ने मेरे सवाल का जवाब देना है बारी बारी। आप लोगों ने मुझे ये बताना है, चॉकलेट हमें खिला दें कि नहीं पकड़ी जा रही? अच्छा चॉकलेट आप लोगों को खिला दो, नहीं पकड़ी जा रही है, कैसी बात कर दी है? नहीं नहीं, अगर आपसे नहीं पकड़ी जा रही या मैं पकड़ा दें ना खिलाएं? मेरी मैंने पकड़ी हुई है, मैं खा भी लूँगी बहुत आराम से। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। अच्छा दोबारा बोले जरा। चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। इतनी बार मत बोले, मुझसे भी नहीं बोला जा रहा। मैं ही कहने लगा था पहले, पंजाबी से सही बोले ना। कान टपी नहीं होता, कान टपी होता है। कान टपी मच खोल के ले गया। अच्छा, थीफ इज कमिंग, ओपनिंग द मच एंड रन अवे। ठीक है आप बताएं। दोबारा बोलना। यार उनका पहले में जा। चोर आया कान टपी मच खोल के ले गया। चोर इज कमिंग, कान टपिंग
एंड कॉलिंग द मज एंड वेंट अवे वेंट अवे इस बारे सही है यार सही इंग्लिश है आप बताओ फेस्टिंग रो वाली कार्ड है ना दोबारा बोल लेना चोर आया कान टप्पी मज खोल के ले गया चोर आया कमिंग कान टप्पी ये इसने तो ज्यादा ही कर दिया कुछ वाकई लग रहा है पहला दिन है यूनिवर्सिटी में अच्छा आप मुझे ये बताओ सर्दियाँ अच्छी लगती हैं गर्मियाँ सर्दियाँ क्यों क्योंकि उसमें ड्रेसिंग अच्छी हो जाती है सही और आप बताएं सर्दियाँ अच्छी लगती हैं गर्मियाँ सर्दियाँ क्यों इनसे नहाया नहीं जाता मुझे लग रहा है अच्छा सर्दियाँ अच्छी लगनी है अगर नहाया ही नहीं जाता सही यार मतलब मैल का मारे फिर रहे हो वो कम नहाते ना पहले भी उनके इसलिए सर्दी अच्छी सही है आप बताएं हमें सर्दियाँ अच्छी लगती हैं सोने में भी मजा आता है कैसे मजा आता है बंदा गर्म रहता है बंदा कहता सोया सही हो गया गर्म रहते हैं आप बताएं गर्मी अच्छी लगती है रोज बंदा नहा तो लेता है सर्दी में नहाता भी नहीं अच्छा मतलब आप सर्दी में नहीं नहाते सर्दी में बंदा नहाता नहीं ये मान गए आज नहाता हूँ पर कितने महीनों बाद नहाते हैं हर हफ्ते बाद माशाल्लाह मामा नहलाती होंगी गर्म गर्म पानी करके नहीं खुद नहाता हूं चले थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आपका नाम लाइका ओह लाइका यूनिक नाम है आपका क्या मतलब है इसका लाइका और ज़हीन आप हैं बहुत सुनो भी पता चल जाता है गुरूर नहीं किया ये गुरूर ये अभी होगा नाजरीन अभी गुरूर होगा तीसरी बार होना चाहिए ना होना चाहिए अच्छा मुझे ये बताओ मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाओ चोर आया कान टप्पी मच खोल के ले गया ये कैसा है चोर आया अब इसको इंग्लिश में करो द थीफ कमिंग एंड अच्छा चोर आया कंध टप्पी हाँ मज खोल के ले गया ओ ये बहुत डिफिकल्ट है अच्छा डिफिकल्ट है कोशिश करो चोर आया पंजाबी एक मिनट चोर आया इसको करो ट्रांसलेट द थ्रूट वाज कमिंग अच्छा कंध टप्पी कंध टप्पी सामने देखो कैमरे में कंध टप्पी अच्छा कंध टप्पी ये बहुत डिफिकल्ट है लड़की परेशान हो गई है वाकई में ये बहुत अजीब कोशिश तो करो कंध टप्पी मज खोल के ले गया मैंने कभी खुद फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ कंध खोली मज टप्पी कंध खोली सही होगा मैडम मुझे ये बताओ सर्दियाँ अच्छी लगती हैं गर्मियाँ सामने देखो मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं क्यों यू नो गर्मियों में जरा पसीना मेकअप भी खराब हो जाता है तो सर्दी में सारा कुछ नाजुक परी हमारे साथ मौजूद है जिनका मेकअप गर्मी में खराब हो जाता है उनको सर्दी अच्छी लगती है चलिए थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आपका नाम मोहम्मद अरसलान अल्लाह मोहम्मद अरसलान आवाज़ नहीं निकलती निकलती है पर थोड़ी फिर कटो ना अभी फर्स्ट सेमेस्टर है ना इसका आपका कौन सा है मेरा 8th सेमेस्टर तभी वो बेचारा इतना मासूम सा और आप मैं बदमाश लग रहा हूँ बदमाश हमारे साथ मुझे थैंक यू वेरी मच अच्छा सबसे पहले आप मेरे सवाल का जवाब देंगे आप मुझे बताएं चोर आया कंध टप्पी मज खोल के ले गया इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं थीफ केम क्लाइम्ड द वॉल अनटाइड द बफलो एंड रैन अवे नाजरीन इस वक्त हमारे साथ इंटेलिजेंट लड़का मौजूद है जो कि बता के कितनी इंग्लिश आती है इंग्लिश मुझे याद पड़ता है मेरे FSC में 95 मार्क्स थे फर्स्ट पार्ट में आउट ऑफ मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए वाकई इसको इंग्लिश आती है अब आप बताओ चोर आया कान टप्पी मच खोल के ले गया थीफ केम क्लाइम्ड द वॉल एंड आई बफलो एंड रन नहीं इसे कुछ और पूछे ना ये तो मैं बता दिया ना आपने मुझे बताओ सर्दी अच्छी लगती है गर्मी गर्मी नहीं मुझे परेशान कर दिया गर्मी बोल गर्मी में AC चलता है हम रिलैक्स करते हैं सर्दियों में क्या एक ही जगह पर टिक के बैठ जाते हैं वही गर्मी में जब बाहर निकलते हैं क्या हाल होता है शाम को निकल सकते हैं हम बाकी है नहीं हमारे जैसों का क्या कसूर है जिन्हें निकल के काम करना होता है वो सुबह धूप में निकल रहे हैं सर्दी में और शाम को गर्मी में निकल जुलम चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर आप बताओ सर्दियाँ अच्छी लगती हैं गर्मियाँ मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं क्यों क्योंकि इसमें बंदा ड्रेसिंग अच्छी कर लेता है दिल की बात कर गया है लड़का अच्छा तभी आप इतना कोट शूट पहन के हैं जी बिल्कुल चलें ठीक है थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम मेरा नाम नेहा मुझे लगता है आपका नाम खुशी होना चाहिए काफ़ी खुश है नहीं ये भी ठीक है अच्छा चलो मुझे ये बताओ कितनी इंग्लिश आती है एवरेज जितनी पास हो जाऊँ चलो मेरे आप इम्तिहान में पास होकर दिखाओ मुझे बताओ इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है चोर आया कान टप्पी मज खोल के ले गया इसको इंग्लिश में ट्रांसफर करो आप चोर आया
का नाम है, इसकी पंजाबी नहीं आ रही इंग्लिश का। नहीं अब आपको इंग्लिश में बताना होगा, चोर आया कान टपी मत खोल के ले गया यार, मुझे पंजाबी नहीं बोलनी आ रही है। आपको आता है? मैं बाद में बता दूंगी सबको, मेरी टेंशन नहीं लेनी, आप अपनी टेंशन लो। थीव इज कमिंग, सामने देखो, कॉलिंग द मर्चेंट, गो। सही है, दोबारा बोल दो एक बार। नहीं बस बड़ा, थीव इज कमिंग कॉलिंग द मच एंड गो। चलो मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, मुझे बताओ सर्दियाँ अच्छी लगती हैं या गर्मियाँ? सर्दियाँ, मोबाइल आराम से यूज होता है। रजाई के अंदर जानू मानू सुकून से होता है? नहीं। अच्छा जानू मानू सुकून से होता है रजाई में? नहीं जानू मानू है ही नहीं। सेट, चले थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर। अच्छा उमर क्या करते हो? मैं फूड साइंस कर रहा हूँ। ओके मुझे ये बताओ इंग्लिश कितनी आती है? इंग्लिश अच्छी आती है। चोर आया कान चप्पी मच खोल के ले गया, उन दस दे द थीफ कम अप द दीवार ओपन द मच एंड गया। यार ये हाई लेवल की इंग्लिश ऐसे ही मुझे भी नहीं आती, मुझे भी सिखा दो। इसके लिए आपको स्पीड एंड स्ट्री आना पड़ेगा। अच्छा ये सुपीरियर पे आप बदनामी लगा रहे हैं? नहीं नहीं ये मैं बता रहा हूँ इनकी। यार बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सब कुछ सिखाती है। हाँ तभी तो आप इंटरव्यू लेने आए हुए यहाँ पे, इसलिए तो आई। मैंने कहा मुझे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मिलेंगे, फिर तो उन्हें बुलाना चाहिए, मेरे दोस्त खड़े हैं। अच्छा मुझे बताओ सर्दियाँ अच्छी लगती हैं गर्मियाँ? दोनों ही अच्छी हैं अगर जी एफ साथ हो। नहीं गर्लफ्रेंड अगर साथ ना हो फिर? फिर बंदे का क्या सर्दी क्या गर्मी, फिर तो कमरा ही होता है खाली। अच्छा अगर गर्लफ्रेंड हो तो फिर गर्मी कैसे अच्छी है? पंखा चला दो, सही कह रहे हैं। और अगर गर्लफ्रेंड हो सर्दी हो फिर? फिर तो औसम ही औसम है हर चीज। लड़के सुधर जाओ, अभी से बता रही हूँ ठीक है, बाद में आपने रोना है। कोई बात नहीं, घर वालों ने पूरी इजाजत दी हुई है। सही है, चलो थैंक यू सो मच। जी तो व्यूवर्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मजीद ऐसी इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस के लिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल डिजिटल हब को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी होस्ट इंफाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।